अब पॉपअप कैमरा वाले फोन्स क्यों नहीं आते, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नमस्ते मैन, आपने स्टेपलर तो कई बार यूज किया होगा, पर क्या आपको पता है स्टेपलर के नीचे इतना ज्यादा स्पेस होता है और वो अंदर से खोखला होता है। ये दरअसल एक स्टोरेज सिस्टम है। आप यहाँ पे चीजें स्टोर कर सकते हो, जैसे कि स्टेपलर्स के पिन और कुछ पेपर के पीसेस, चावी या कुछ भी जो यहाँ पे फिट हो। पर यूजुअली इसे स्टेपलर के पिन के लिए ही यूज किया जाता है। इसी फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, आपको वेट गेन करना है? अगर हाँ तो आपको साबूदाना तो पता ही होगा जो फास्टिंग करते वक्त खाते हैं, तो बस आपको उसी साबूदाने की खीर खानी चाहिए रोज सुबह। इससे आप इतना फास्ट वेट गेन कर सकते हो कि आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। ये कुछ महीनों में ही आपको पतले से मोटा कर सकता है। नंबर 5, हर एक कंट्री का अपना अपना नेशनल एंथम होता है, पर क्या आपको पता है सबसे पहली कंट्री कौन सी थी नेशनल एंथम बनाने वाली? तो वो कंट्री थी जापान। सबसे पहली बार नेशनल एंथम की शुरुआत जापान से हुई थी और उसके बाद सारे देश ने अलग अलग अपना अपना नेशनल एंथम बनाया। नंबर 4, आईफोन सबसे सिक्योर डिवाइस में से एक माना जाता है और यूजुअली इसे चोरी करने के बाद भी कोई इसे हैक नहीं कर पाता। पर आप जान के हैरान हो जाओगे कि गूगल के जो हैकर हैं, उन्होंने 10 तरीके ढूंढे हैं जिससे आप इजीली आईफोन को हैक कर सकते हो, वो भी बिना आईफोन को टच किए, और ये तरीका उन्होंने 2019 में ढूंढा था। नंबर 3, कोई नॉर्मल वॉच नहीं है, ये एस्ट्रोल लॉजिकल वॉच है। ये घड़ी प्रैग्यू में है और वहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि ये घड़ी इस दुनिया का अंत कब होगा ये भी बता सकती है। पर इस घड़ी को यूज कैसे करते हैं ये कोई भी नहीं जानता। साइंटिस्ट ने कई बार ट्राई किया पर वो कामयाब नहीं हो पाए। नंबर 2, आपने आज तक वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैट और ऐसी कई सारी चीजें देखी होंगी, पर क्या आपने कभी सुना है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट काऊ के बारे में? जानिए रानी के बारे में। ये दुनिया की सबसे छोटी काऊ है। ये ऑलमोस्ट 2 साल की है और ये बांग्लादेश में रहती है। इसकी हाइट बस 20 इंचेस है और तो और इसका वेट बस 23 केजी है। नॉर्मली 2 साल की काऊ का वजन 300 से 400 किलो के आसपास होता है और इसका नॉर्मल वजन से आधे का आधा भी नहीं है। नंबर 1, अब पॉपअप कैमरा वाले फोन क्यों नहीं आते? ये ट्रेंड आते ही चला क्यों गया? मतलब ये फीचर आया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, बट जिस स्पीड से पॉपुलर हुआ था उसी स्पीड से ये चला भी गया, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे 3 वजह है। सबसे पहला कि पॉपअप कैमरा फोन को वीक बनाता है। अगर आप बाहर पॉपअप कैमरा यूज करते हो तो आपके फोन में डस्ट जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म यानी कि कुछ 2-3 सालों में ही आपका फोन खराब हो जाएगा, और इसका रीजन होगा मदरबोर्ड में डर्ट जाना। सेकंड रीजन ये कि ये आपके फोन को वाटर रेजिस्टेंट नहीं बनाता है। आजकल सारे फोन वाटर रेजिस्टेंट होते हैं बट पॉपअप कैमरा वाले फोन वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते, और अगर आपका फोन थोड़ा भी पानी में गिरेगा तो समझ लो उसका। और थर्ड रीजन ये भी है कि अगर आपका फोन आपके जेब में है और तभी अगर किसी का वीडियो कॉल आए तो आपका पॉपअप कैमरा खुल जाएगा, क्योंकि वीडियो कॉल में कैमरे की जरूरत होती है, और ऐसे में अगर आपकी जेब टाइट है तो उसका कैमरा टूट भी सकता है। और ऐसी कई छोटी छोटी प्रॉब्लम थी जिसके चलते पॉपअप कैमरा मार्केट से गायब हो गया। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और हमारी अगली वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।